मैंने जब भी देखा जोया और वर्षदान को साथ देखा। क्या जोया? क्या जानती हूँ कौन है आप? अब्बा को बता दूं तो? शक तो मुझे पहले ही हो गया था। सोचता था इतनी लंबी तड़ंगी औरत, और कैसी औरत है जो औरतों में बैठ के भी नकाब ही करती है। शर्म तो नहीं आई होगी ना तुम्हें? चाचा मैंने कोई गलत काम नहीं। बंद करो। नकाब कर। क्यों? नकाब कर मैं कह रहा हूं। आइए आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। देखिए क्या जमाना आ गया है, गले में से पैसे चोरी कर रही थी। आप बैठिए ना, आइए आइए बैठिए आप। चल बीबी चल, चलो ना जरा आओ ना। कौन कौन जानता था कि बुरके में ये है? अम्मा तुम तो खैर जानती होगी। क्या दिखा ना जरा, दिखा जरा दादी को दिखा। हाय हाय वर्षदान तू? जी ये आपका लाडला पोता बुर्का पहन के आस्ताने में घुसा हुआ था, कश्फ के आस्ताने में। अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई देख लेता तो क्या बनता? लोग कैसी कैसी बातें करते कश्फ के बारे में। चाचा ऐसा कुछ नहीं होना था। तुम तो चुप ही रहो, अब जो बात भी होगी ना तुम्हारे बड़ों के सामने होगी। तुम तो चलो मेरे साथ और एक बात कान खोल के सुन लें, आइंदा अगर किसी ने इसे इस घर की चौखट पार करने दी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो आओ चलो चल। अरे तुम लोगों को सबको पता था ना कि वर्षदान है, ये है ना? ए, पहले क्या कम तमाशे लगे इस घर में जो एक और नए तमाशे की बुनियाद रख दी है तुम लोगों ने। अरे अब क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गए? इतना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लंगर खाने वाले ये नहीं पूछेंगे कि हमारे घर में क्या मसला हुआ है। चलो तुझसे अभी तक लस्सा ना छिला गया, जल्दी कर, वहीं पड़ा है। चलो ना, तुम्हें तो खैर किसी के घर में दाखिल होने की तमीज नहीं है, लेकिन मेरी तरबियत वैसी की वैसी ही है। भाभी भाभी अंदर आओ, अंदर आओ। मुलाहिजा फरमाइए अपने बेटे के करतूत। खामोश क्यों हो गए, बोलिए ना। ओ, इसका मतलब यह है कि मेरे सिवा सभी सब कुछ जानते थे। अब मेरी समझ में आ रहा है कि आपके इरादे अचानक बदल कैसे गए। मेरी बेटी कमाने लगी है ना, तो हर रिश्तेदार यह सोच रहा होगा कि उसकी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा हमारी जेब में भी आ जाए। ऐसा होगा नहीं। चाचा आप गलत समझ रहे हैं। तुम चुप रहो। मेरे कारोबार का वक्त ना होता तो तुम्हारे अब्बा को बुला के उनके सामने बात करता। संभाल लीजिए इसे। मना किया था ना मैंने, लेकिन कौन सुनता है मेरी? अब भी सुधर जाओ, भूल जाओ उसे। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं मैं। क्या है? हाँ छोड़ो मेरा। पहले मेरी बात सुनो। क्या? अब्बा को तुमने बताया था ना कि अबाई में वर्षदान भाई थे? क्यों, मैं क्यों बताऊंगी? सच सच बताओ जोया। हाँ बताया था तो क्या? क्यों बताया था?
वो तो जैसे बहुत नेक काम कर रहे थे ना, अस्ताने में लोगों को पता चलता तो थू थू करते हम पे। हाँ, और तुम्हारा मकसद तो जैसे अस्ताने की नेक नामी थी ना। एक बात कान खोल कर सुन लो जोया, अगर कश्यप और वजदान भाई की शादी ना हो पाई ना, मैं तुम्हारी शादी भी उनसे नहीं होने दूंगी। अच्छा चलो देख लेते, तुम जीतती हो या मैं। बाजी, कहते हैं कि फजर के वक्त जो ख्वाब देखो वो सच होता है। फजर के वक्त वजू करने खड़ी हुई तो देखा पानी नहीं आ रहा था, तो सोचा अब नमाज कैसे पढ़ूंगी। फिर अचानक से मेरे हाथों पे पानी गिरने लगा। सुभान अल्लाह। फिक्र मत करो, इस वक्त हमें कोई नहीं देख रहा सिवाय हमारे रंग के। देखा तो वो हाथ में पानी का बर्तन लिए खड़ा था। उसने मुझे वजू कराया और फिर मैंने नमाज पढ़ी। कौन बाजी? देखने में तो कोई फरिश्ते जैसा लग रहा था। पाप सा। अभी जाके खुदकुशी कर लो ना। किसी और से शादी करने से तो बेहतर ही है। फरिश्ता, शक्ल कैसी थी उसकी? हाँ कौन? आप किसी फरिश्ते की बात कर रही थी जिसने आपको फजर के वक्त वजू कराया था। मैं नहीं, तो तुमने क्या पूछा था मुझसे? मेरे बारे में आपने ख्वाब देखा था तो आप बताने लगी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग कल आना। क्या हुआ, आस्ताने से क्यों उठ के आ गई? वो खुदकुशी कर लेंगे, मेरे ख्वाब देखा। कौन? वजदान। ओ, तो उसकी फिक्र हो रही है तुम्हें। तुम जानती थी ना कि बुरके में वही है। मुझसे तो तुमने बहुत सख्ती से कहा था कि अब्बा आस्ताने पे सिर्फ औरतें आया करेंगी, तो तुमने सोचा कि एक मर्द बुरके में बैठ जाएगा तो किसी को क्या पता चलेगा। मैंने मना किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मुझसे कहा होता ना, मैं कान से पकड़ के जूते मारता उसे घर छोड़ के आता। शुक्र करो किसी ने देखा नहीं है, वरना तुम पर से एतबार उठ जाना था। अब जो हुआ सो हुआ, चलो उठो जाओ, जाके आस्ताने पर बैठो, खवातीन इंतजार कर रही। मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वो कुछ कर लेंगे, अपने आप को मार लेंगे। जब तक ये डर मेरे दिल में रहेगा मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी, किसी का मसला हल नहीं कर पाऊंगी। ओह, तो दूसरे लफ्जों में तुम वजदान की वजह से मुझे इनकार कर रही हो। चलो ठीक है, देखता हूं मैं कितनी देर नहीं बैठोगी। उठो।
अब्बा यहां से। अब्बा अब्बा वो अंदर। खबरदार, किसी ने अगर इसे खाना दिया या दरवाजा खोलने में इसकी मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा काश अम्मी। कज बीबी कब आएंगी? बस आती होगी, बैठे आप बैठो। शुमाइला जाके कश हो इम्तियाज चाचा नहीं मानेंगे। तुम जाओ। वालेकुम सलाम। तुम जाओ तो कहो अम्मी ने कहा है, जाओ। वालेकुम सलाम, आए बैठे। बस आ ही रही है कश। और क्या कर रही हो? खाना तो देने दो उसे। तुम्हारा भी बंद कर दूं? खाना तो दे दो उसे। खबरदार, मुंह पे मेरे कहती है कि मैं आस्ताने पर नहीं बैठूंगी। तमाशा है, गुंथी मची हुई है। हाँ। सलाम अलैकुम चाचा। सलाम अलैकुम चाची। वालेकुम सलाम बेटा। चाची वो कश्यप को भेज दे, अम्मी बुला रही हैं। क्यों भाई, क्यों बुला रही हैं? घर पे मिलाद है चाचा, अम्मी की कश्यप से बात हुई थी। तो वो पैसों की बात हुई? और वो पैसे वैसे तय किए थे? कोई एडवांस वगैरह लिया है? नहीं, नहीं जा सकती बेटे, फिर नहीं जा सकती। सिर्फ खवातीन ही है, अम्मी ने वादा किया था कि कश्यप जरूर आएगी। अरे मैं कब कह रहा हूँ खवातीन नहीं है। तुम भाग के जाओ घर, पूछ के आओ अम्मी से कितने पैसे देंगे। जितने जितने आप कहेंगे। 10,000 रुपया लेंगे हम तो। 10,000? जी बेटे, ऊंचा सुनते हो या औकात से ज्यादा बता दिए मैंने? मैं आपको अम्मी से 10,000 दिलवा दूंगी, आप बस कश्यप को भेज दें। अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर क्या मसला है? जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, फिर मुझे क्या इतराज है? जाओ। चाबी जाएगी जाएगी, उसके ताया का घर है, क्यों नहीं जाएगी? आजा बेटे, आजा मेरी जान, आजा आजा। 10,000 की बात हुई है, गिन के लेके आना पैसे। जी जी, मैं पैसे दिलवा कर भेजूंगी, बल्कि मैं खुद छोड़कर जाऊंगी कश्यप को। नहीं, उस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। रह जाके मैं कुछ खा रही हूँ। क्या पट्टी पढ़ा रही थी? गलती हो गई, 20,000 ही मांग लेता। तुमने अच्छा नहीं किया इम्तियाज। अच्छा नहीं किया ना, मैं भी यही सोच रहा हूँ, 20 ही मांगना चाहिए था। रिश्तेदारी है हमारी, तुम्हें पैसे मांगने नहीं चाहिए थे। क्यों भाई, ये कारोबार के मामले में कोई रिश्ता विश्ता नहीं होता। तुमने कभी लिहाज किया मेरा है? जब कभी वक्त पे पैसे नहीं दिए, लड़ाई झगड़ा फसाद। रिश्तेदार तुम सोचती हो? मेरा भी रिश्ता है कोई तुमसे, शौहर हूं तुम्हारा। भूखे पेट कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता। 10,000 तो ला ही रही है ना, चल कुछ बना, अच्छा सा भूख लग रही बड़ी सख्त। जा। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आज यहाँ पर तेरा कलाम पढ़ा गया है, उसे अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह,
कलाम पाक की बरकत से यहाँ पर इस घर में जितनी भी मुश्किलात हैं, तकलीफें हैं, उन्हें दूर फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह ताला इस घर की बेटी शुमाइला की शादी में हायल जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें दूर फरमा। आमीन। मेरे बेटे वजदान के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उसको प्यारी सी दुल्हन अता करे, जिसकी भी मुराद करता है वो उसे मिले। मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या? बस है कुछ। क्या है बताओ। आप पहले इतने खुश हैं, इतनी खुशी एक साथ अच्छी नहीं होती। सही तरह बताती हो या करूँ फोन नबील को? भाई तो बताओ ना। कश का खत तो दो। इसे कैसे दे दूँ, मुझे क्या मिलेगा? कहा तो है तुम्हारी नबील से बात करवाता हूँ। भाई आप बिना कर लो। नहीं करनी मुझे। ओ, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मजीद कुछ बुरा हो इसलिए खत लिख रही हूँ। उस दिन आपने खुद को खत्म करने की बात की, जिसकी वजह से मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। क्या देखा वो तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी इस ख्वाब को भूलना चाहती हूँ। दुआ करती हूँ कि मेरा हर ख्वाब सच्चा ना हो। जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, उसे जाहिर करने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह की अमानत है ना, और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है ना, वैसे ही हर दुखों के बाद सुख आते हैं वजदान, और परेशानियों के बाद खुशियाँ। वादा करें कि आप खुदकुशी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और आइंदा ऐसे अल्फाज जबान पर कभी नहीं लाएंगे। वादा करें। वादा करता हूं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर का आस्ताना यही है? जी जी यही है। शेख अंजम सदीकी साहब मिल रहे हैं। कौन है? कहाँ है? थ्रू गाड़ी में बैठे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम।
एक मसला डिस्कस करना है कश बीबी से। नहीं, वो मर्दों से नहीं मिलती हैं। देखिए, मुझे कारी मुजम्मिल साहब ने भेजा है यहाँ। तो फिर भी नहीं मिलेंगी। मेरी बात समझिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। मैं बात करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप इंतजार कीजिए। शुक्रिया। आपको पता तो है मैं मर्दों से नहीं मिलती। अरे, कारी मुजम्मिल साहब ने भेजा है उसे। कारी मुजम्मिल साहब ने? हाँ। तो ये तो वो कह रहा है ना, क्या पता वो सच बोल रहा हो या झूठ। झूठ क्यों बोलेगा, और वैसे भी मुंह मांगे पैसे देगा। तो ये बात है, ठीक है, मिल लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, क्या? आइंदा आस्थाने में मर्द भी आया करेंगे, मर्दों और औरतों की कमाई अलग होगी। मर्दों की कमाई आप रखेगा और औरतों के पैसे मैं अम्मी को दिया करूंगी। ठीक, मंजूर। मर्दों के मामलात के लिए हमें एक मुलाजिम की जरूरत होगी, जो ये देख सके कि किसे अंदर भेजना है और किसे बाहर से फारिग करना है। हाँ, तो मैं हूं ना। नहीं, आप नहीं। क्या मतलब? कौन फिर? वजदान। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वजदान, वजदान यहाँ हरगिज नहीं आएगा। तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं आएगा तो आज से आस्ताना भी नहीं खुलेगा, ना मर्दों के लिए ना ही औरतों के लिए। चलो ठीक, मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वजदान तुम्हें सिर्फ मेरी मौजूदगी में मिलेगा। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? बोलो, मंजूर है? जाए वजदान को बुला कर लाए। वजदान को क्यों? पहले उससे तो मिल लो। नहीं, पहले आप वजदान को बुलाएं, फिर मैं उससे मिलूंगी। आपका क्या पता, बाद में मुकर जाए। अच्छा हुआ मिल गए तुम, मैंने बहुत सोचा तो मुझे तरस आ गया। आओ चलो। कहाँ? आस्ताने पर। आस्ताने पर? नौकरी चाहिए ना तुम्हें? आओ आओ, बताता हूँ। नकाब ओढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आस्ताने में नौकरी चाहिए थी ना आपको। जी। तो यहाँ जितने भी साहिल आएंगे उनकी खिदमत करनी होगी आपको। जी बेहतर। फिलहाल अंदर एक साहब बैठे हैं, उन्हें पानी पूछें, पर्दे का इत्माम करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी। बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं कारी मुजम्मिल साहब के पास हाजिर होता रहता हूँ, आज मैं एक मसला लेकर आया तो वो खामोश हो गए, फिर आपका जिक्र खैर करने लगे, कहने लगे मेरे सवाल का जवाब उनसे बेहतर आप अच्छी तरह से दे सकती हैं। ऐसा कौन सा मसला है जिसका जवाब कारी साहब ने खुद देने के बजाय आपको मेरे पास भेज दिया?
मसला अर्ज करूं? जी फरमाइए। दरअसल एक ख्वाब है जो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं। हर बार मेरे ख्वाब में मेरी मरहूमा बीवी आती है और रोना शुरू कर देती है। देखिए बेटा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे इस ख्वाब की हकीकत बता सकती हैं? आप मेरे पास दो दिन बाद तशरीफ लाइएगा। जी, हो गया काम आपका? हाँ माशाल्लाह, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। माशाल्लाह, दो दिन का टाइम दिया है उन्होंने। जी जी, वो दो दिन का टाइम इसलिए कि वो जाहिर ख्वाब देख के बताना होता है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी। ये दरअसल हम गरीबों के लिए हम कुछ लंगर का बंदोबस्त करते हैं, तो कार्य खैर में अगर आप हिस्सा डालना चाहें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जजा दे। जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में ही सारी जायदाद तकसीम कर दी और किसी का हक नहीं मारा। और क्या आप अपनी औलाद से खुश हैं? मेरे सबके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बस एक बच्चा कई सालों से नहीं मिला। एक बिजनेस में उसने बड़ा नुकसान कर दिया था मेरा। अपनी मर्जी से शादी भी कर ली, मैंने उसे फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने ना सिर्फ मुझे परेशान किया बल्कि अपने बहन भाइयों को भी तंग करता रहा। मैं कभी भी उससे खुश नहीं रहा। माफ कर सकते हैं उसे? हाँ मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन वो कभी माफी तो मांगे मुझसे? जरूरी तो नहीं कि वो माफी मांगने आए तो ही आप माफ करें। आप बड़े हैं, आप भी बड़ेपन का मुजाहरा कर सकते हैं। जी ठीक है। आपने जायदाद को तकसीम किया है, अगर शफकत भी तकसीम करेंगे तो हो सकता है आपकी मरहूम बीवी की रूह को चैन मिले। ये मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी। आपने तो सचमुच मेरा मसला ही हल कर दिया। आवाज। जी शाह जी। एक एक करके साहिल भेजो। शाह जी बाहर तो कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई नहीं? बाहर ही होंगे, कहीं टहल रहे होंगे, जा जाकर देखो। नहीं शाह जी, बाहर कोई भी नहीं है। शुरू करने लगे हैं जिसमें आपकी दुआ चाहिए हमें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी बेवाएं हैं, जितने यतीम हैं, मिस्कीन हैं, उनके लिए किसी छत का बंदोबस्त करें। देखिए नजर, सड़कों पे पड़े हुए लोग तो ये पड़े होते हैं बेचारे। मेरा ना खाने को दिल चाहता है ना सोने को दिल चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके बराबर में ही जाके कहीं लेट जाऊं। ये बेइंसाफी जो है ना जी, ये बस अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। कभी मेरे घर तशरीफ लाइए, फिर वहां मुलाकात करते हैं आपसे। जज़ाकअल्लाह सर, मेहरबानी सर। Thank you.
मतीउल्ला इस तरह के ओछे हथकंडों पे उतरा है। वो तो उम्मीद लगाकर बैठा है कि कल से फिर लोग उसके आस्ताने पे आने लगेंगे। हाँ हाँ, रहने दे उसे, इसी खुशफहमी में रहने दे। बल्कि एक काम कर, अपने कुछ लड़कों से कहे गए हर रोज उसके आस्ताने पे हाजिरी दिया करें, उसे लगे कि उसका आस्ताना खूब चल रहा है। इम्तियाज भाई, मैं आपके आस्ताने पे कब से आऊँगा? कुछ दिन रुक जाना यार, मतीउल्ला को भी तो पता चले कि इम्तियाज भाई के साथ पार्टनरशिप की थी। ओ बेटा इधर। जी। किसके साथ है? अम्मी के साथ। अच्छा, जरा दरवाजा खोल। आ रहा है, आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कश्बा जी हैं? हैं तो सही बीबी, लेकिन इस वक्त बहुत रश है अंदर, मिल नहीं सकेंगे। आप बाहर तशरीफ रखिए, मैं लंगर भेजता हूँ, इंतज़ार करना पड़ेगा। जी अच्छा। इम्तियाज भाई, मैं तो कहता हूँ बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगवा दो। अच्छा ये ले, ये तेरे 10,000 अलग ही रखे हुए थे, ले अपने आंसे जेब में डाल दो, कहीं तेरे बिना निकाल लूँ। मुझे एतबार है। अल्लाह वली, वाह मालिक वाह। आई इम्तियाज, आई मेरी जान का टुकड़ा। आए तुझे पता है ना कि अम्मी लव यू है ना? काम बोलो अम्मा। और काम क्या होना बेटा, काम कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से पैसे चाहिए थे। वो शुमाइला है ना, उसकी शादी है, तो कुछ सोच रही थी कि कोई दो चार कपड़े बनवा लूं। अरे अम्मा, हर वक्त पैसे ही मांगती रहती हो, जो पिछली बार पहना था वही पहन लेना ना, तुझे कौन सा किसी ने देखना है। आए अल्लाह पूछे तुझे, पहले तो कहता था कि जब पैसे आएंगे तो आपको संदल का पान दान, चांदी का उगाल दान, और अब एक एक पैसे को तरसा रहा है। कहाँ लेकर जाएगा ये सारा पैसा? अभी तो बहुत सारे काम करने हैं अम्मा, इस घर को 3 मंजिला बनाना है, 3 मंजिला। नीचे वाले हिस्से में सिर्फ आस्ताना हो, एक तरफ मर्द एक तरफ औरतें, लंगर खाना, और फिर मेरा दफ्तर भी बनेगा। हैं? तू क्या करेगा दफ्तर में? स्कूल तो तू कभी गया नहीं, मार मार के तो मैं स्कूल भेजती थी तुझे। तावीज दिया करूंगा। तावीज? बस तू देखती जा अम्मा, कारोबार कैसे फैलता है हमारा, मैं फैलाऊंगा। अच्छा चल, अभी तो दे ना मुझे ये कुछ पैसे, दे दे ला। अरे अम्मा नहीं ना अभी, अरे आकर अम्मा, अरे अम्मा फाड़ दिया ना तूने ये हैं, नंबर भी फट गए हैं, बैंक वाले भी वापस नहीं लेंगे, अब बोल। छोड़ दे, मैं चला लूंगा किसी ना किसी तरह। देख मुझे 3,000 चाहिए, 3,000। नहीं 3,000 नहीं मिल सकते अम्मा। हाँ कैसे नहीं मिल सकते, फोन रोक। अरे क्या, अरे पकड़ भाई, ये पैसे जमा कर करके पागल हो गया हूँ, अम्मा के खर्चे ही नहीं खत्म होते, तो यार होके जाएगी शादी पे। आने दो, थक गई होगी। आप थकी हैं कभी? इतना कुछ करती हैं हमारे लिए। माँ कभी नहीं थकती, औलाद थक जाती है। अच्छा, मुझे देखकर ऐसा लगता है आपको? अभी तो नहीं लगता, मगर एक दिन थक जाओगी।
माँ जब अपनी औलाद के लिए कुछ करती है ना तो करती ही चली जाती है, उसे थकन का एहसास ही नहीं होता। अल्लाह ने माँ का वजूद ही ऐसा बनाया, उसके दिल में औलाद के लिए इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसके लिए वक्फ कर देती है। मगर ये जज्बा हर रिश्ते में नहीं होता। कब तक करोगी? अभी तक तो कुछ किया ही नहीं मैंने, आप अभी से थकने की बात कर रही हैं। मैं एक बात कहूं? कहो। घर के खर्च से कुछ पैसे बचाकर जोया और इरम का जहेज बनाना शुरू करते हैं। वो धूमधाम से शादी करेंगे दोनों की, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ताया अब्बू शुमाइला की शादी कर रहे हैं। इंशाल्लाह। और तुम्हारी शादी कब होगी? जब किस्मत में होगी तब हो जाएगी। नहीं नहीं मुझे नहीं लगानी। लगवा लो ना, मुझसे पहले जोया की लगाओ। मेरी मेहंदी तो लग गई, ये देखो।